अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू सैवरीज लॉन्च। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बोल मैं रही हूँ और सामने दानियल खड़ा है, तो और दानियल कुछ कुक करने वाले हैं हमारे लिए। दानियल, तो सबसे पहले आज मैं कुक करूँगा टमाटर की भुजिया। टमाटर की भुजिया, और दिखाएंगे उसकी आपने क्या प्रिपरेशंस की हैं। यहाँ लेकर आओ प्लेट जी। तो ये आप देखें क्या क्या काटा है आपने, यहाँ रखो पहले। ये भी सब कुछ दानियल ने ही कट किया है और ये मेरे ज़ेरे निगरानी ही कट किया है। टमाटर काटे हैं आपने? दो टमाटर काटे हैं सॉरी। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये क्या है? हरी मिर्च। चले जी, तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले चूल्हा तो जला दीजिए। मुन्ने चूल्हा जलाना सिखाया है। वैसे आप अपने बच्चों को, जब भी अगर आपके बच्चों को शौक़ है तो आप अपनी नज़र के सामने करवाएं, नज़रों के सामने, ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आना भी चाहिए बच्चों को, कब तक आप लोग दूर रखेंगे। चलिए जी, चूल्हा जल चुका है और सबसे पहले क्या करेंगे दानियल आप? सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। चले जी, ये थोड़ा सा ऑयल डाला है इन्होंने। मैं इसकी लाइट ऑन कर लूँ। ये कितना डाला है? ये तकरीबन इन्होंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। तो ये ऑयल डाल दिया है दानियल ने, चूल्हा जला दिया है, और ये थोड़ा क्या करें, ऑयल गरम कर रहे हैं। तो ऑयल गरम करने के बाद क्या करेंगे? अभी मैं डालूँगा मटर। क्या करेंगे? टमाटर डालेंगे। अच्छा, ये कुकिंग करना अच्छा लगता है दानियल? वैसे मेरा शौक है, लेकिन मैं बनूंगा आर्किटेक्ट बनेगा मेरा बेटा। वाओ, दरअसल इनका शौक़ है आर्किटेक्ट और ये सब चीज़ों की तरफ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके ख्वाब पूरे करे, साथ खैरियत के आर्किटेक्ट इनको बनाए। लेकिन जो इनका शौक़ है वो एक कुकिंग का भी है, तो मेरा बेटा अच्छा शेफ़ भी है। तो चलें, ऑयल गर्म हो गया है दानियल, अब सबसे पहले डालेंगे टमाटर। ये देखेंगे, इसमें दानियल ने टमाटर डाल दिए हैं, अब इसको ये मिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी वाली टोमेटो रेसिपी मैं बोल रही हूँ, टमाटर की भुजिया। वैसे नॉर्मली हम लोग प्याज लहसुन अदरक वगैरह डालते हैं, लेकिन बच्चे इतना भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ इसने खुद कटिंग बहुत अच्छी की है दानियल जी। तो आप क्या करेंगे इसमें? अब सबसे पहले हम डालेंगे नमक। चलें जी, तो आप अपनी मर्ज़ी से हसब जायका नमक डालें। दानियल, ये तो बहुत कम नमक है, इट्स टू कम। ये हसब जायका नमक डाल दिया है दानियल ने। चलें जी, अब क्या है? लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये तकरीबन इन्होंने हाफ टी स्पून ही समझ लें, ये पूरी डाल दो। ये डाल दी है क्योंकि ये लोग कम मिर्चें खाते हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। दानियल, आप भी तो कुछ बताएं, आपकी रेसिपी है, आपको इतनी ही मिर्चें पसंद है। अब क्या ऐड कर रहे हैं ये? काली मिर्च। चलिए जी, काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ही ऐड करेंगे। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी है। अब ये देखिए, ये इसको आराम से इसको डालें। अब इनको हम नरम करने तक पकाएंगे ना। चलिए जी, देखिए थोड़ी देर इसको कवर किया था दानियल ने, और अब ये टेंडर हो गए हैं टमाटर, और बड़ा ही कोई अच्छा लुक आ रहा है। अब दानियल, इसको थोड़ा भूनेंगे हम, है ना दानियल? थोड़ी सी आँच तेज़ कर दूँ, हल्की सी आँच तेज़ कर दी मैंने। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? अच्छा जी, अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो दानियल आप आर्किटेक्ट बनेंगे, तो क्या, कौन होता है आर्किटेक्ट, क्यों बनेंगे आप आर्किटेक्ट? मुझे
बहुत शौक है, मेरे अंदर आइडियाज होते हैं, ड्रीम मेरे अंदर आइडिया होते हैं। तो आप डिज़ाइनिंग करेंगे घरों की, कंपनीज के? जी, तो ये दानियाल के शौक़ हैं कुकिंग और उसको आर्किटेक्ट बनना है। आपके बच्चे के क्या शौक़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अल्लाह ताला मेरे बच्चे को और बाकी सबके बच्चों को सही सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे और इसी तरह खुश रखे, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी टफ़ हो गई है और ऊपर से करोना और ये लॉकडाउन, उसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हम लोग को चाहिए कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात और एक्टिविटीज़ इस तरह से उनके शौक़ पूरे करवाएं, ताकि बच्चे भी रिलैक्स रहें और उनके ऊपर टेंशन और स्ट्रेस ना आए। तो जी, ये अब दानियाल ने ऐड कर दिया था इसमें हरा धनिया और इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये हरा धनिया ऐड कर दिया है। क्या किया ये ऐड? हरा धनिया। तो आपको शौक़ है, मज़ा आता है कुकिंग में? किसको देख के शौक़ पैदा हुआ आपको कुकिंग का? ओके, आ रही हूँ अनु। तो ये देखिए कितनी मज़े की ये भुजिया तैयार हो रही है, और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। तो जी दानियाल, तो मैंने गाइस ये मैंने रेडी कर ली है, तो फिर क्या रेडी कर ली है? टमाटर की भुजिया। टमाटर की भुजिया। तो जी, तो मम्मा अब छकेंगी फिर बताएंगी। अच्छा हाँ भाई, तो अब तो टेस्टिंग का वो आ गया है, और ये मैं टेस्ट करती हूँ ये कैसी है। रियली बहुत मज़े की है, नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट। वाह भाई, मज़ा आ गया। और आज मैंने वैसे भी बनाया था पुलाव, आलू का पुलाव बनाया था, तो उसमें ये मिक्स करके और मज़े की लगेगी, है ना दानियाल? आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और दानियाल की बनाई हुई ये यम्मी सी भुजिया तो बहुत ही मज़े की।